झंडा तला आ रही है जेजेपी तो। अच्छा ले भाई बता, पहला लड़ा विधानसभा में देख लिया था योगेश्वर दत्त भाई, बता बीजेपी वाले मिल के दोनों का पहला लड़ा था, वो मैदान फिर है, वो है दंगल। जेजेपी वाला भी लड़ा था क्यों भाई? जेजेपी वाला तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था ना, भूपेंद्र मलिक जेजेपी में था। हाँ जेजेपी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं भाई। विधानसभा क्षेत्र यदि बड़ौदा की बात करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और सबका मन में के बात है टिकट किसने मिलेगी। चाहे कांग्रेस की बात करा, चाहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करा, चाहे इनेलो की बात करा, हर किसी के मन में के बात है भाई टिकट किसने मिलेगी। भाई खुद जनता है बड़ौदा का, हमारे हम बड़ौदा के जो बुजुर्ग आदमी है, युवा साथी है, पूछा भाई कौन सी पार्टी ने जिताओगे, कौन सी न रहोगे। कोई तो नुको भाई इनेलो का गढ़ रहा है 35 साल थी, तो कोई नू भी कह भाई लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक रहा है, कांग्रेस का भी गढ़ है, तो खुद पूछा इन्हें भाई किसने के जताओगे। राम राम ताऊ। और ताऊ ठीक से? बड़ा ऊंचा बोलता है, रोटी नहीं खाया पार्टी ने जिताओगे आपकी बार देखा टिकट के ऊपर तो ना। फिर भी नू के लागे को एक पार्टी का माहौल लागे है, कांग्रेस का लागे, कांग्रेस का लागे। टिकट कौन सी न मिलनी चाहिए कांग्रेस में? कांग्रेस को क्वेश्चन मिल जाओ और कम हल्का में क्वेश्चन मिल जाओ, मैं आप कांग्रेस में जिताओगे। हाँ। तब राम राम। राम राम भाई। और तब ठीक ठाक से? ठीक ठाक। बताओ फिर किसने के जिता रहे हो? जेजेपी वाले जिता देंगे। जेजेपी वाले जिता दो। और क्या खास बात है जेजेपी वाले में? जेजेपी वाले सारी खासियत है भाई, जेजेपी बीजेपी तो इकट्ठी हो रही है। हाँ फिर तो जेजेपी वाले जिताओगे? और अच्छा टिकट किसने मिलनी चाहिए भाई? क्वेश्चन दिवा दे उस बना देंगे। अच्छा जेजेपी वाले। हां चलो बढ़िया भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और भाई ठीक है भाई, क्या खास बात लगी इलेक्शन में? इस बड़ौदा में पूरा हरियाणा की नजर टक रही है भाई। हरियाणा इब उपचुनाव हो गया, इस समय तो होएगी ज्यादा। कौन सी पार्टी जीता होगा? मान तो बीजेपी ने जीता है भाई। बीजेपी ने? बीजेपी और जेजेपी इकट्ठी है। ठीक है, कैंडिडेट कौन सी पार्टी का होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए। उसका क्या नाम होना चाहिए बता? योगेश्वर। योगेश्वर तो होना चाहिए। चलो बढ़िया भाई, जीत जाएगी बीजेपी जेजेपी गठबंधन जीतने की जब। अच्छा और कांग्रेस वाले नुगा मारा गढ़ है? कांग्रेस वाले तो कहेंगे गढ़ है कौन उनका? हाँ गढ़ गढ़ है। अच्छा वो जालिया गढ़ गढ़ जालिया वो बीजेपी की? हाँ बीजेपी। चलो बढ़िया भाई, भाई बीजेपी की। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई कैसे हो? किसी का कुछ नहीं है यार, जेजेपी का गड्ढ है। जेजेपी का गड्ढ है? यो भाई बीजेपी का कर रहा है। नो तो ने कहेंगे अलग अलग तो कहेंगे, मतलब धर्म कोई नाराजगी नहीं। कठी है वादो। टिकट कौन सा ने मिलनी चाहिए? बीजेपी वाले जेजेपी वाले ने? जेजेपी वाले ने मिलनी चाहिए। जेजेपी वाले ने बता तू कौन सा ने कहता भाई? जेजेपी वाले ने कह है बता। जेजेपी वाले ने मिलनी चाहिए उस जेजेपी वाले ने जो उस गले। हां उस गले। हां अच्छा तू भाई जब बीजेपी वाले ने मिलगी तो फिर बीजेपी का कोई वो नहीं है यार। जेजेपी आ जाए बता रहे ले। हैं बता आपा बीजेपी मार जेजेपी झंडा तला रही है जेजेपी तो। अच्छा ले भाई बता, पहला लड़ा विधानसभा में देख लिया था योगेश्वर दत्त भाई, बता बीजेपी वाले ने मिलकर दोनों का पहला लड़ा था। वो मैदान फिर है। अच्छा वो है दंगल। जेजेपी वाला भी लड़ा था क्यों भाई? जेजेपी वाला तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था ना, भूपेंद्र मलिक जेजेपी में था। हाँ जेजेपी का था फिर। अच्छा उन्हें भी लड़ा था फिर। आपका कहना फिर तो दोनों चित गए थे भी। हाँ दोनों चित गए थे। कौन से मिलनी चाहिए भाई? जेजेपी वाले ने मिलनी चाहिए, उसके ज्यादा वोट चढ़ेंगे। अच्छा उसके ज्यादा चढ़ेगी, तू बता भाई कौन से ज्यादा? हम लोग तो कोई सर मिल जाओ, हम तो बना कर आ जाए योगेश्वर ने। अच्छा हाँ चलो भाई बढ़िया, आपसी भाईचारा बनना चाहिए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक है भाई, करती दाऊं पूरे हरियाणा की नजर इलेक्शन पे। बहुत अच्छी बात भाई। के लग गए कौन सी पार्टी का गढ़ है भाई? गढ़ तो किसी का नहीं, गढ़ किसका कैस का है इसने? अच्छा हाँ हमारा गढ़ है ऐसा भाई, कैंडिडेट के भी वोट हुए हैं। ठीक है तो कैंडिडेट देखेंगे, बढ़िया कैंडिडेट कोई भी आओ। अच्छा ठीक है, फिर भी कौन सी पार्टी में तो नू के लग गए कौन सी, मतलब कांग्रेस में तो बता दे कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए भाई? कई भाई है, कई कौन कौन से? फिर भी मारा एक सांगवान है भाई, प्रदीप सांगवान। प्रदीप सांगवान है। अच्छा। भाई इसका लड़का भी है जितेंद्र उड्डा, जीता उड्डा। जीता उड्डा एक मारे रोहित मोर भी, रोहित कर्नल हो गया। ठीक है, बीजेपी और जेजेपी में तो कौन सा होना चाहिए भाई? बीजेपी और जेजेपी में देखो तो उनका अपना मामला है, टक्कर हो नू भाई वहाँ। एक तो नू आ गया भाई, देखो कई बार नू आ प्रत्याशी हो गया वे, एक तरफ लहर होगी नू कौन सा मिला गया टक्कर हो गई सही डाल टक्कर बात भाई। एक बात बताऊं आपने क्लियर ही बात है, बीजेपी और जेजेपी कह रहे हो आप, ठीक है। अब वोट कोई किसी पार्टी के बंदी हुई नहीं है, ना जेजेपी के बंद रही क्लियर, ना बीजेपी के बंद रही, ना कांग्रेस के बंद रही। अच्छा सही बात है, तो वोटर की मर्जी। हाँ, वोटर की मर्जी, हम देखेंगे भाई अपना कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट कौन है। ठीक है,
वो कोई भी हो उस कैंडिडेट ना आगे बढ़ावांगे। सही बात है भाई। ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक है, खास बात बताई भाई साहब ने, और वैसे भी आप सभी ने पता है कि लोकतंत्र देश के नागरिक का और किसी पार्टी के साथ कोई नहीं बन रहा। जो प्रत्याशी ने सही लगा उसे प्रत्याशी जिताओगे, जो किसी पार्टी का हो। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्रत्याशी देखोगे। बिल्कुल प्रत्याशी देखाएंगे भाई। ठीक है, कितना बढ़िया है, ग्राउंड से कितना जुड़ा हुआ है। नुको ना था, कई जने नुके हैं भाई, सरकार बीजेपी और जेजेपी की है। अब की बार वेला जो विकास करवाना है, मुख्यमंत्री खट्टर नुके विकास करवाना है, बीजेपी को लेकर के आओ। भाई एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री तो अपने लेवल पर वैसे भी विकास करवा रहे हैं। अगर आप ये कहो तो मेरे नजदीक भाई मुख्यमंत्री ने यह बात कही होगी भाई विकास करवाना दो, क्योंकि पद से भी हमारे कैंडिडेट जो ना आपने पता है कांग्रेस का था, लेकिन विकास तो हमारे पद से भी खूब रहा है। अच्छा, हाँ मतलब विपक्ष में रहते रहते भी। हाँ विपक्ष में रहते हुए खूब रहा है विकास। ठीक है, और दूसरी बात, कई भाई साहब हमें मान लो जो राज में पार्टी है उसका कैंडिडेट बना दें, अगर वो नदारद है ग्राउंड से तो विकास कैसे करा होगा। ठीक है भाई, कुल मिला कौन सी पार्टी जिताओगे फिर भी आप? भाई पार्टी तो मैं एकला तो बात ना करवा, सही मैं एकला तो जता नहीं सकता। आपकी वोट की जाएगी फिर भी? भाई मेरी वोट जाएगी विकास को। ठीक है, जो जो सुभाष बराड़ा का लड़का, सुभाष बराड़ा का लड़का आ जाओ भाई, उसने दे देंगे हम तो। विकास विकास कह रहे हैं बार बार, इन पार्टी को बता भाई साहब। राम राम, राम राम। आप बता दो फिर, क्यों नहीं बता रहे तो? कांग्रेस कांग्रेस ने जिताओगे? सही बात है भाई, तब राम राम। कौन सी पार्टी जिताओगे? मैंने निबेरा एग्रीकल्चर के आदमी, हम एग्रीकल्चर का आदमी भाई, ताऊ कौन बतावा भाई? जे जे पी आनंद टिकट मिलेगी तो उसने देंगे, और नहीं तो फिर कांग्रेस ने जीता। नहीं तो कांग्रेस ने, हाँ नहीं तो कांग्रेस पक्का। चलो भाई ताऊ राम। जेजेपी जेजेपी के खास बात जेजेपी की? हमरा जेजेपी में है। अच्छा, जेजेपी में कौन सा टिकट मिलने चाहिए फिर जेजेपी की? वो तो ही उनका गठबंधन है, देखो किसने दे रहे हैं। बताऊंगा गठबंधन है, हाँ बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन है, वो तो देखो किसने टिकट देंगे, वो तो उनका अपना समझौता है। चलो बढ़िया, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, किसने जिताओगे? जेजेपी ने जिताऊंगा। जेजेपी ने बेटा, किसने जिताओगे बता? गाय गाय छेड़ दे। किसने? जेजेपी। जेजेपी ने जिताओगे? बरले आने दे। हाँ लो भाई बढ़िया, राम राम भाई। राम राम भाई, कांग्रेस आओ, कांग्रेस आओगी या कुछ भी कहे जाओ यार, तो एक तरफा कांग्रेस है तो है, है तो है। हाँ, तीन प्लान हो लिया, आपने भी देख लिया, अब भी वही थारा आगे देख लियो, आगे भी वही आएगा, कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का पक्का है? हाँ पक्का। जीत जाएगी? हाँ जीती पड़ी है, जीत दी आने लग रही, मैं भी केसक है इसमें, केसक है। चलो बढ़िया भाई, राम राम। किसने जिताओगा? देखो भाई पब्लिक का अच्छा पब्लिक, फिर आप भी तो जनता हो, आपकी देखिए जो वोट की जाएगी, जो चोर जीतेगा जो आंधी दिखे उसे कान भाई, ताऊ भी सही है, जिताओ जीतता दिखा उसे कान। राम राम जी। राम, किसने जिताओगे भाई? सरकार है बीजेपी की और जेजेपी का इसका संगठन है। हाँ, ये चाहे जेजेपी दे दो चाहे बीजेपी दे दो, आप इसकी जो हाँ, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, चाहे बीजेपी वाला दे दो चाहे जेजेपी वाला ना, इससे कोई मतलब नहीं, आपने आप दोनों गठबंधन की ना, मैंने तो सरकार के साथ रहना। चलो बढ़िया भाई, एक ताऊ की और बात रहेगी तो बाद में याद आ, इसका इंजन वारी स्टार्ट हो गया। छोटा खट्टर कौन सा? छोटा खट्टर भीतर नहीं हो, नहीं बेरा तो क्यों उठाए ना, तू बता मेरा मारे मारेगी हूँ, कामल खरीद दे दे उठती किसने रे? छोटा खट्टर ने, छोटा खट्टर ने। हाँ चलो भाई, तो चुनावी सर्वे लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र प्रोदा से मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।